नाम जानना चाहेंगे भैया? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, जिला दस बरेली। क्या करना चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं कि 2012 से एम्बुलेंस चल रही है, 2012 से काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही जीवी के कंपनी ने टेंडर छोड़ दिया है एलएस का, जो 1000 कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरी कंपनी जो चिकित्सा नाम कंपनी, उन्होंने टेंडर ले लिया है। चिकित्सा कह रही है हम आप लोगों को नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग प्रशिक्षित नहीं है। अगर हम लोग प्रशिक्षित नहीं है तो हम लोग 8 साल सेवाएं कैसे दे दिए? अगर हम प्रशिक्षित हैं तो हमको क्यों नहीं रखा जा रहा है? हमसे 20,000 रुपये ड्यूटी क्यों मांगी जा रही है? चलिए ठीक है, मैं 20,000 रुपये देने तैयार हूँ, अगले 5 साल बाद टेंडर फिर चेंज हो जाएगा, फिर जो नई कंपनी आएगी फिर मैं उनको 20,000 रुपये दूंगा। जब मैं ऑलरेडी जब मुझे जो सैलरी मिल रही है, मैं उसी सैलरी से उसके प्रमोट होकर मतलब जो ज़्यादा सैलरी उस पर काम करना चाहता हूँ, ना कि मुझे डिमोशन किया जा रहा है। मुझे जहाँ सरकार बोलती है तो हम देवदूत हैं, अगर हम देवदूत हैं तो हम लोगों का अपमान क्यों किया जा रहा है? हम लोग यूज एंड थ्रो का काम किया जा रहा है। जब कोविड काल था सबको अपने घर बैठा दिया, मुझे आपने काम करवाया एम्बुलेंस पे, जब हम लोगों ने सेवा दे दी पूरी कोविड काल खत्म हो गया तो आप हम लोग बारे में कुछ सोच नहीं रहे, हम लोग अपन निकाल दिए, बेरोजगार हो गए। अगर ये बेरोजगार होते हैं भुखमरी कगार जाते जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर हम लोगों ने वोट दिया है, मतदाता दिया है, अगर आपको कुर्सी बैठाया तो जिम्मेदारी आपकी है, हम आपके नागरिक हैं प्रदेश के, आपको सोचना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो उनको निकाला गया है? ये 1000 कर्मचारी हैं और 250 एम्बुलेंस हैं एलएस के, जो निकाला गया। आज एलएस की बारी, कल 108-102 की बारी होगी। हम रोज रोज ये आंदोलन नहीं करना चाहते, इसलिए मैं सरकार से एक ही मांग है कि हमको आप ठेके पर रखना चाहते हो तो आप NRHM पर रख दो ठेके पे, हमको ठेका प्रथा पे नहीं काम करना है। अगर आपकी हम ये चाहते हैं कि आज आज आखिरी दिन है, अगर आज हमारे समस्याओं का समाधान होता है, आज अगर हमारे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होती है, आज अगर हमारे संग न्याय होता है, सरकार करती है तो ठीक है, वरना कल से चक्का जाम हो जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम तारावती। क्या करना चाहती हूँ? मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन में 2017 से जॉब कर रही हूँ। हमारे कोई वेतन में भी वृद्धि नहीं होती है, और जब भी हम स्ट्राइक वगैरह करते हैं तो वेतन में वृद्धि होती है, समय से सैलरी भी नहीं आती है। और हमारे जो कोरोना काल में जो एम्बुलेंस के होता थे, यानी कितने लोगों ने जान भी गंवा दी, उस पर भी हमारी सरकार ने कोई भी हमारे लिए मतलब किसी तरह से सुविधाएँ नहीं दी, उनकी फैमिली के लिए मतलब ऐसे ही रोडों पे छोड़ दिया, ठीक है, नाजायज संस्थान समझ के। हम भारत के नागरिक हैं, क्या सरकार हमसे वोट नहीं लेती है? जब भी सत्ता में आते तो हमसे वोट भी लिया जाता है। कोरोना काल में हमसे ड्यूटी भी करवाई गई थी सर, तो हम भी भारत के नागरिक हैं, जो सब सुविधाएँ आम आदमी को मिलती है वो हमें क्यों नहीं मिल रही? अगर आपने टेंडर पे हमें रखा तो टेंडर तो सरकार ने ही दिया था, सरकार की जिम्मेदारी थी, हम प्रशिक्षित नहीं थे तो पहले से ही हमें इस कंपनी ने क्यों लिया? आज हमें निकाल रही है कि आप प्रशिक्षित नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं थे तो हमने करोड़ों लोगों को सुविधा दी है, आज तक कैसे दी? अब हम बेशिक्षित हो गए हैं। आप क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं सर, जो हमारे LS के एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनके लिए भी फिर से नौकरी दी जाए, और हमारा जो टेंडर है इसे कहते हैं NHM में विलय किया जाए या हम लोगों को परमानेंट किया जाए। और सर, जो हमारा आज का महंगाई के तौर में जो हमारा वेतन है वो सिर्फ ओनली 12,000 रुपये है, और इस महंगाई के दौर में हम लोग 12,000 की नौकरी करके कैसे अपने परिवार को पालेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे सर? कम से कम हम लोग की मतलब मासिक आय जो है कम से कम 18-20,000 तो होनी चाहिए। ठीक है।